कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका एक और गेमप्ले वीडियो में। और आज की वीडियो में तुम्हारा भाई खेलने जा रहा है एसफॉल्ट 9 लेजेंड्स। और भाई मैं पहले ही आप लोगों को गेम स्टार्ट होने से पहले बता दूं कि मैं इस गेम को पहली बार नहीं खेलने जा रहा हूं, क्योंकि मैं मेरे पुराने डिवाइस में भी जब ये नया नया आया था तो चल जाता था, तो मैंने इसको थोड़ा बहुत ट्राई कर रखा है पहले से ही। लेकिन हाँ, मैंने ज़्यादा इसको नहीं खेला है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो तुम्हारे भाई को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो है। लेकिन अभी यहाँ पे हम ट्यूटोरियल खेलने जा रहे हैं, इसमें तुम्हारे भाई को पकड़ा दिया शुरुआत में ही लैम्बोर्गिनी। भाई साहब यहाँ पे तुम्हारा भाई लैम्बो चला रहा है, और यहाँ पे वैसे भी कोई मेरे अपोनेंट में है नहीं, तो इसमें जीतने भी का कोई टेंशन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बस हमें कंट्रोल्स वगैरह सिखाए जा रहे हैं। और पता नहीं तुम्हारे भाई को कंट्रोल क्यों सिखाया जा रहा है, क्योंकि तुम लोग तो जानते हो तुम्हारा भाई कितना खतरनाक है रेसिंग गेम्स। और देखो भाई, अरे मुझे कंट्रोल सिखाओगे तुम लोग, तुम लोग जानते नहीं हो एक प्रो प्लेयर आया तुम्हारे गेम में। अरे यार, ये एक तो देखो भाई, इतने घंटों में एक तो वो हो रहा है पता नहीं क्या, लेकिन कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ा बहुत नाइट्रो वगैरह देते हैं और जल्दी से इसको फिनिश करते हैं ट्यूटोरियल को और गेम को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे भाई क्या ही ड्रिफ्ट है यार, एक तो मेरे को इस गेम के ग्राफिक्स, और ये यार फिर से आ गया ट्यूटोरियल। मुझे भाई पता है कैसे करना है, क्या करना है यार, मत दो यार। एक तो ट्यूटोरियल ऑफ करने का कोई ऑप्शन नहीं है, अगर हो तो मुझे बताना। लेकिन हाँ, यहाँ पे हम जम मार चुके हैं रैम से भाई, ये चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। ठुक क्यों गया मैं यार, इंक्वायरी यहाँ पे अच्छे से बूस्ट देते हैं खतरनाक वाली। और यहाँ पे बस थोड़ा सा और है शायद फिनिशिंग लाइन। भाई कब आएगी यार ये ट्यूटोरियल में कोई अपोनेंट नहीं है, जब तक अपोनेंट ना हो तब तक खेलने में मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर रुको, रैम से उड़ेगा तुम्हारा भाई अभी। ओके, और भाई साहब, और यहाँ पे फिनिश लाइन भी आ चुके हैं, बहुत बढ़िया और प्यारी सी ड्रिफ्ट के साथ यहाँ पे हम जीत चुके हैं। भाई कितनी खतरनाक लग रही है लैम्बो, लेकिन कोई नहीं, जल्दी से एग्जिट मारते हैं और आ जाओ रियल रेस खेलते हैं। A few moments later. Okay, so guys, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ रियल रेस खेलने के लिए। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो, शुरुआत ही है गेम की, और यहाँ पे मुझे ये मत्सुबिशी की कार मिली है, मत्सुबिशी लैंसर। तो इसी से हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी पहली रेस को। शुरुआत में भाई जो डिफॉल्ट कार मिलेगी उसी से करना पड़ेगा, वैसा तो है नहीं कि मैं शुरुआत में आप लोगों के लिए पगानी या फिर क्यूनिक्सेग उठा के ले आऊँगा। तो हाँ, अभी शुरुआत में धीरे धीरे करके स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे रेस स्टार्ट मैंने कर दी है, बस रेस गोल है हमारा यहाँ पे जीतना। और देखते हैं भाई कौन सी गाड़ी आ चुकी है। यहाँ पे निसान की कार है, ओके, लेकिन हम यहाँ पे जीतेंगे, निजमो थी शायद वो। लेकिन हाँ, अभी तुम्हारा भाई जीतेगा। रुको, मेरे बगल में भी लैंसर है एक, क्योंकि मुझे ढंग से इसको खेलना पड़ेगा। और भाई फिर से ट्यूटोरियल आ गया यार, क्यों दे रहे हो यार ये ट्यूटोरियल्स मेरे को? मैंने अभी अपने आप को सिद्ध किया तो था कि खतरनाक प्लेयर है तुम्हारा भाई अभी वाले ट्यूटोरियल में। और भाई ये क्या हुआ? ओ भाई साहब, ये तो तबाही से मचा दी मैंने भाई, आती तबाही से मचा दी तुम्हारे भाई ने। लेकिन कोई नहीं, ड्रिफ्ट मारने दो। ओके, इन लोगों को तो मैं इजीली हरा दूंगा, अभी तो भाई शुरुआत ही है, अभी तुम देखते जाओ क्या क्या होने वाला है। क्योंकि मुझे सबसे पहले बूस्ट मारने तो बंदा आगे निकल चुका है बातों में ही। भाई मैं बकता रह गया और बंदा आगे भी निकल गया, लैंसर वाला ही बंदा है। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे हम दोबारा से आगे निकल चुके हैं भाई। आज जीतने तो किसी को नहीं दूंगा मैं, इतना तो टेंशन लो ही मत। और यहाँ पे फिनिशिंग लाइन भी आ चुके भाई। बड़ी यार छोटी सी रेस थी ये, तो शुरुआत भी खत्म हो गई भाई, ये तो शुरुआत ही खत्म हो गया। ओके, खैर गाइस, वो वाली रेस तो हमारी शुरुआत में ही खत्म हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं थोड़े बहुत क्रेडिट्स मिले इनको जल्दी से इकट्ठा कर लेता हूँ। और जल्दी से अपनी गाड़ी को थोड़ा बहुत अपग्रेड कर लेते हैं, क्योंकि शुरुआत में मेरे पास थोड़े बहुत कॉइन्स ऑलरेडी दिए हैं एसफॉल्ट वालों ने, तो उनको क्यों ना यूज़ किया जाए, क्योंकि कॉइन्स वगैरह तो हम ईजिली कमा लेंगे, गेम में ज़्यादा हार्ड होने नहीं वाला। तो मैं जितनी भी चीज़ें मैं अपग्रेड कर सकता हूँ अभी जल्दी से जल्दी अपग्रेड कर लेता हूँ अपनी गाड़ी को, थोड़ा सा बीस्ट बना लेते हैं, क्योंकि आगे अभी हम बहुत सारी रेसेस खेलने वाले हैं। तो जितना ज़्यादा मैं अपग्रेड अभी कर पाऊँगा उतना ज़्यादा मैं करके देखूँगा। अभी तो यहाँ पे एक एक सेकंड लेवल मैंने सबको कर दिया है सेकंड स्टेज पे, अभी मैं शायद थर्ड स्टेज पे भी कर पाऊँगा, थर्ड स्टेज पे भी कर देख लेते हैं। ओके, थर्ड स्टेज पे भी मैं कर सकता हूँ शायद, हाँ सभी को कर सकता हूँ मैं इजीली। यहाँ पे मैंने सबको थर्ड स्टेज तक पहुँचा दिया, और यहाँ हमारा लेवल भी अप हो चुका है भाई। पहले ही एपिसोड में इतना ईजिली लेवल अप हो चुका है एक ही रेस में, ये है ना, ये हुई ना बात। मैं बोल तो रहा था ना तुम्हारा भाई खतरनाक है यार, कोई सा भी रेसिंग गेम हो, अब तो भाई तुम्हारा भाई का हाथ बैठ चुका है रेसिंग गेम्स में। लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे जल्दी से रेस को भी स्टार्ट करते हैं। और भाई बहुत ही खतरनाक खतरनाक कार्स है इसमें, आगे चल के हम कार्स भी देखेंगे। लेकिन आज जल्दी से अभी रेस खेलते हैं भाई, इस वाली पूरी के पूरे ये जो वो है ना इवेंट है या जो भी क्लब है इसको ख़त्म करते हैं सबसे पहले। आज का हमारा यही टारगेट होने वाला है, इस वाले क्लब को ख़त्म करेंगे। और यहाँ पे रेस भी स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे निजमो खड़ी है दो तीन, वो मैं मेरे को देख, और यहाँ पे BMW है, और ये यहाँ पे हमारी लैंसर तो है ही, तो जल्दी से मेरे को भगाने दो, एक दो गाड़ियों को ठोकूंगा तब मज़ा आएगा। अरे यार ये फिर से यहाँ पे घुमाने लग रहा है, लेकिन कोई नहीं, अरे बच गई गाड़ी यार, थोड़ी सी रह गई, रुको मैं इसको ठोकता हूँ। अरे यार बच गया, ड्रिफ्ट नहीं मार पाया मैं ढंग से, रुको मुझे थोड़ा सा बूस्ट मारने दो, ऐसे ही भागना पड़ेगा मुझे। अबे रुको रुको, ओके यहाँ पे मैंने मार दिया भाई, मैं बोल ही रहा था ठोकूंगा तो सही किसी को भाई, इसमें बस ठोकना थोड़ा सा हार्ड पड़ जाता है अगर गाड़ी पीछे हो तो। लेकिन फिर भी तुम्हारे भाई ने बहुत ही अच्छा किया भाई, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, तबाही मचा दूंगा बिल्कुल, आग लगा दूंगा पूरे ट्रैक पे,
सब गाड़ियों को फाड़ फूड के चला जाऊँ आगे, लेकिन यहाँ पे आगे तो मैं आ ही चुका हूँ, फाड़ने की जरूरत भी नहीं है। रोको, जल्दी से इस रेस को जीतता हूँ मैं, बस थोड़ा सा और, फिनिशिंग लाइन मुझे यहीं से दिख रही है और यहाँ पे अच्छा सा बूस्ट मार के और यहाँ पे इस रेस को भी जीत गया। बड़ी छोटी छोटी सी रेस है शुरुआत में, अरे यार टकरा गया टफ्ट मारने की जगह में, लेकिन कोई नहीं यार, बड़ी छोटी छोटी सी रेस है, इनको तो मैं इजीली जीतता जा रहा हूँ, मज़ा नहीं आ रहा, थोड़ी सी लंबी सी रेस होनी चाहिए तब मज़ा आएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BMW के भी कार्ड्स हैं, उनको भी मुझे इकट्ठा करना पड़ेगा, लेकिन जल्दी से आ जाओ एक और रेस खेलते हैं। ओके तो गाइस, यहाँ पे मैंने एक और रेस स्टार्ट कर दी है और भाई ये क्या देख रहा हूँ मैं, भाई गाड़ियाँ कैसे खड़ी हैं, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे हमारी रेस स्टार्ट हो चुकी है और भाई मैं समझ चुका हूँ गाड़ियाँ ऐसे क्यों खड़ी थी, क्योंकि ये थोड़ा स्लाइड टाइप का एरिया है तो यहाँ पे टेढ़ी गाड़ी खड़ी होती तो नीचे सरक जाती है, इस वजह से वैसी खड़ी थी, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे हम आगे आ चुके हैं। और रुको मुझे रैंप पे, रुको मेरी गाड़ियों में से एक को ठोक, ओके यहाँ पे ठोक भी दी यार, मैं बोल ही रहा था उससे पहले ही ठोक दी, भाई बोल रहा हूँ ना मैं, तबाही मचा ही देगा तुम्हारा भाई, रुक जाओ भाई, ये गेम तो तुम्हारे भाई के लिए बना है, ऐसे गाड़ियाँ तोड़ने का मौका मिले ना तब मज़ा आता है गेम में बहुत ही ज़्यादा, लेकिन कोई नहीं, अबे जीत भी गए हम हैं यार, इतनी छोटी छोटी रेसेस क्यों दे रहे हैं यार, ऐसे तो भाई मज़ा भी नहीं आ रहा, शुरू होती सारी रेसेस ख़त्म होती जा रही हैं। लेकिन गाइस कोई बात नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं, शुरुआत में तो हमको छोटी छोटी रेसेस मिलेंगी, अभी थोड़ा बहुत इनको फेस करना पड़ेगा, फिर आराम से अच्छी अच्छी रेसेस आ जाएंगी, तो आ जाओ एक और रेस खेलते हो, जल्दी से इस क्लब को ख़त्म कर दिया। ओके सो गाइस, यहाँ पे एक और रेस मैंने स्टार्ट कर दी है और जल्दी से मुझे थोड़ा फोकस करने दो, क्योंकि रेस यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है और मेरे भाई, तुम्हारे भाई को हर बार सबसे पीछे क्यों पटक देते हैं, एकदम लास्ट वाले नंबर पे, भाई इनको मुझे शो करना पड़ेगा कि अभी तुम्हारा भाई क्या चीज़ है, वेट इन सबको गाड़ियों को तोड़ूंगा मैं, रुको इनकी तरफ जाने दो मुझे, और यहाँ बस थोड़ा सा और, ओके यहाँ पे भाई, अबे ओ भाई, अबे भाई साहब ये तो कुछ ज़्यादा ही तबाही मचा दी मैंने भाई, सारी की सारी गाड़ियाँ ही फाड़ दी मैंने तो, लेकिन कोई नहीं, मुझे इतना कुछ नहीं होना चाहिए, अभी भी तुम्हारे भाई से आगे निकल चुकी है गाड़ी, मुझे इनका इनसे आगे निकलना पड़ेगा, वेट थोड़ा सा मुझे फोकस करने दो रेस पे, यहाँ पे अच्छी सी ड्रिफ्ट मारते हैं ताकि मेरा नाइट्रो वापस आ जाए ना, और अरे यार ये फिर से यार, कब कितनी बार ट्यूटोरियल दोगे यार, ये नाइट्रो का ट्यूटोरियल दिया जा रहा है, बताओ ये ब्लू वाला, वो भी मैं पिंक वाले पे को भी जानता हूँ, यहाँ पे ब्लू वाला नाइट्रो को बताया जा रहा है मेरे को, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे हम और आगे आ चुके हैं और दोबारा से मैंने बर्थडे को, भाई मैं इस वाले नाइट्रो के बारे में भी जानता हूँ और वो मेरे को ब्लू वाला सिखा रहे हैं अभी, यार क्या ही बोलूँ, इतनी देर से इन लोगों को दिख नहीं रहा था कि मैं कौन सा नाइट्रो यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे हम इस वाली रेस को भी ईजिली जीत चुके हैं और बस इसके बाद शायद एक या दो रेस, और भाई मैंने यहाँ पे अभी दीवार पे चला दी थी, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से शायद अब एक या दो ही रेसेस बची हैं और ये क्लब कंप्लीट भी हो जाएगा और यहाँ पे मेरे ब्लूप्रिंट्स भी कंप्लीट होने वाले हैं BMW के, और वेट अ मिनट भाई, यहाँ पे स्किन मिल रही है, ये पार्ट्स मिल रहे हैं भाई Mitsubishi Lancer के, रुको मुझे जल्दी से ऐड देखना पड़ेगा। 2000 years later. ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने ऐड देख लिया है और मेरे को ये जो भी रिवार्ड्स मिले आप लोग देख सकते हो, रुको मैं स्किप करने दो। ओके यहाँ पे मुझे शायद ये पेंट की स्किन पे, स्किन नहीं थी सॉरी, पेंट था यार, पेंट मिला है मेरे को, लेकिन भाई मेरे को पता नहीं है इसमें क्या क्या कैसे पेंट वगैरह करते हैं, तो वो सब कुछ मुझे अभी सीखना पड़ेगा धीरे धीरे करके। और भाई अभी मेरी BMW भी खुलने वाली है, बस मुझे एक कार्ड चाहिए, एक या दो कार्ड चाहिए शायद BMW के, तो वो भी खुल जाएगी, तो उससे भी हम रेस वगैरह करेंगे, तो भाई बहुत मज़ा आने वाला है। इसके बाद बस दो रेसेस और रह गई हैं, फिर ये पूरा का पूरा क्लब कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद शायद BMW खुलेगी, तो लास्ट रेस हम BMW से भी करेंगे, तो आ जाओ जल्दी से एक और रेस करते हैं और फिर उसके बाद गेम की गाड़ियाँ भी देखेंगे, जितनी भी गाड़ियाँ हैं इस गेम में, तो भाई बहुत मज़ा आएगा गाड़ियाँ भी देखने में, क्योंकि भाई इस गेम में ना इतनी सारी गाड़ियाँ, अभी आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, आप लोगों को पता भी नहीं होगा कितनी गाड़ियाँ हैं, और भाई इस गेम की एक और खास बात है वो आप लोगों को बाद में पता चलेगी, लेकिन हाँ जल्दी से इस रेस को हम कंप्लीट करते हैं, क्योंकि रेस स्टार्ट हो चुकी है। ओके, और ये भाई ठंडा बर्फीला इलाका पहाड़ों में हमको छोड़ दिया गया है, मुझे थोड़ा सा नाइट्रो लेने दो। ओके आगे आ चुके हैं, ट्राई करूंगा मैं सबको फोड़ दूँ, और यहाँ पे भाई आगे वाली गाड़ी मैंने फोड़ दी, अब कोई टेंशन नहीं, अब तो तुम्हारा भाई आगे नहीं, भाई ये क्या हुआ था है, भाई किसने टक्कर मारी ऐसी, भाई गाड़ी मेरे ऊपर से ऐसे उड़ के गई ना, सुपरमैन गया हो, और यहाँ पे दोबारा से ट्यूटोरियल आ चुका है, और ये मुझे पता था पिंक वाला नाइट्रो बताया जाएगा लास्ट में, यही रह गया है, अब शायद मेरे हिसाब से एक भी ट्यूटोरियल नहीं बचा होगा। ओके सो यहाँ पे हम ऊपर उड़ जाते हैं और मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, इसी वजह से इतना स्लो हुआ है और गाड़ी भी आगे निकल चुकी है, लेकिन कोई नहीं, अभी वेट, तुम्हारे भाई की गाड़ी बहुत खतरनाक है भाई, मैंने ऐसी थोड़ी ना है, इसी वजह से तो मैंने इन्हीं क्या कहते हैं ज़्यादा पीछे वगैरह ना रह जाऊँ, इसी वजह से तो मैंने थोड़ा बहुत अपनी गाड़ी को अपग्रेड कर लिया था, वरना शुरुआत में ऐसी मरियल सी गाड़ी देते हैं ना सारे के सारे गेम्स वाले, वो मरियल सा अपना ही मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता, इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत अपग्रेड पहले ही कर लिया था ताकि मरियल सी गाड़ी तो ना लगे ना, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पे एक और नाइट्रो मारते हैं और ये रेस भी इजीली ख़त्म हो चुकी है भाई, शुरुआत में छोटी छोटी रेसेस हैं, इजीली ख़त्म तो होंगी होंगी और हमें चैलेंजेस भी इतनी ज़्यादा नहीं मिले, एक ही एक चैलेंज मिल रहा है, आगे की रेसेस में दो दो चैलेंजेस मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख सकते हो BMW Z4 भी यहाँ पे अनलॉक हो चुकी है, तो जल्दी से इसको अनलॉक करते हो और भाई लास्ट रेस हम इसी से करेंगे, और रेस स्टार्ट करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा अपग्रेड भी करूँगा, तो आ जाओ जल्दी से इसको अपग्रेड करते हैं
और जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे अनलॉक हो चुकी है हमारी BMW Z4 Z4 जो भी आप लोग कह सकते हो इसको। और वेट अ मिनट, मुझे इसको जल्दी से अनलॉक करके, अबे यार यहाँ पे रिवार्ड्स वगैरह भी कलेक्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पे कार्ड्स पैक अनलॉक, व्हाट, ये क्या चीज़ है। अच्छा मुझे यहाँ पे फ्री में कार्ड्स मिल रहे हैं। अच्छा लेवल 2 का कार्ड मिल चुका है, मेरा जो लेवल अप हुआ था उसका कार्ड भी यहाँ पे फ्री में मिल चुका है मुझे। ओके इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। और इसमें मेरे को क्या निज़्मो की स्किन मिली थी, क्या स्किन बोल रहा हूँ, सॉरी निज़्मो का कार्ड मिला था शायद निशान का। और अबे ये क्या था, रुको कैंसिल करने दो। ओके यहाँ पे इनको भी कलेक्ट कर दो। और ये बढ़िया है, ये मेरे को टोकन्स मिल चुके हैं, ए टोकन्स इसको जो भी कहते हैं, स्पॉल टोकन्स। ओके तो ये भी मुझे मिल चुके हैं। और गेट वन पर फ्री यहाँ पे भी कुछ मिलने वाला है। यहाँ पे तो भाई गाड़ियों के वो मिल रहे हैं मेरे को, वेट इसमें क्या मिलेगा। ओके यहाँ पे मुझे डॉज का मिला है, डॉज का कार्ड, इनको जो भी बोलते हो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में क्या कहते हैं इनको, डॉज का कार्ड मिल चुका है मुझे जिससे मैं डॉज अनलॉक कर पाऊँगा। ओके तो जल्दी से बैक करते हैं और लास्ट रेस और रह गया उसको भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जल्दी से अपनी BMW को भी हमें अपग्रेड करना है जितना मैं अबे यार कॉइन्स तो बहुत कम है यार, लेकिन कोई नहीं मैं कॉइन्स तो धीरे धीरे करके बढ़ा लूँगा, लेकिन जितना मैं अभी इसको अपग्रेड कर पाऊँगा अभी जल्दी से अपग्रेड कर लेते हैं। फिर अपग्रेड करने के बाद भाई थोड़ी बहुत तो अच्छी चलेगी ना, क्योंकि भाई ये अभी मेरे हिसाब से हमारी Mitsubishi से थोड़ी कम होगी, क्योंकि ये एकदम स्टॉक में है तो थोड़ा सा अपग्रेड करना तो बनता है। हमारी Mitsubishi तो ईजिली इसलिए जीत रही थी क्योंकि वो स्टॉक में नहीं थी, मैंने थोड़ा बहुत अपग्रेड कर लिया था, लेकिन कोई नहीं आ जाओ जल्दी से इससे रेस करते हैं। मैंने अपग्रेड तो कर लिया, लास्ट रेस और फाइनल रेस, और उसके बाद मैं आप लोगों को गाड़ियाँ दिखाऊंगा भाई इस गेम में कितनी खतरनाक खतरनाक और कैसी कैसी गाड़ियाँ, और उनकी खास बात क्या है वो भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। और यहाँ पे रेस स्टार्ट होने वाली है, लेकिन जल्दी से रेस स्टार्ट, रेस पे थोड़ा फोकस करते हैं। और भाई इस बार तो खतरनाक गाड़ियाँ आई हैं, मतलब गाड़ियाँ तो वही हैं लेकिन उन पर थोड़ी बहुत अच्छे अच्छे स्किन्स आई हैं, लेकिन वेट मुझे थोड़ा सा ध्यान देने दो। और हाँ गाइस मैं एक और चीज़ भूल गया, तुम्हारे भाई ने कल ही ड्राइवन ऑनलाइन पे गेम प्ले वीडियो डाली थी जिसमें तुम्हारा भाई कर रहा है गिव अवे, रुको मुझे इनको, ओके मैंने तोड़ भी दी भाई, बोल ही रहा था लेकिन मैंने तोड़ भी दी। लेकिन हाँ तुम्हारा भाई यहाँ पे गिव अवे कर रहा है, तो हाँ उस वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी से आगे चैनल पे जाके देख लेना ड्राइवन ऑनलाइन की वीडियो, वहाँ पे तुम्हारा भाई सुपर गिव अवे कर रहा है ड्राइवन ऑनलाइन में। तो हाँ जल्दी से आगे वीडियो पे लाइक कर देना, 100 लाइक्स का एम है, जल्दी से आगे उस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट करवा दो, होने ही वाले हैं वैसे भी। और अगर आप लोग चाहो तो 200 लाइक्स भी करवा सकते हो, जितने चाहे उतने करवा देना, तुम्हारा भाई और खुशी होगा। लेकिन हाँ, और आप लोगों ने गार्ड स्ट्रीट का गेम पे ना देखा हो तो वो भी देख लेना, प्रमोशन यार करना पड़ता है तभी आप लोग देखते हो, वरना आप लोगों को तो पता भी नहीं होता तुम्हारा भाई वीडियो डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। लेकिन हाँ गार्ड स्ट्रीट के जितने भी फैंस हैं गार्ड स्ट्रीट की वीडियो देख लेना चैनल पे जाके, और ड्राइव जोन ऑनलाइन के फैंस तो ऑलरेडी देखते ही हैं मेरी वीडियोस, तो हाँ कारक शीट वाले भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कारक शीट का भी बहुत ज़्यादा कंटेंट आने वाला है। लेकिन हाँ यहाँ पे तुम्हारा भाई अभी रेस की बात करते हो तो यहाँ पे हम बस जीतने वाले क्या, कितना दूर है भाई ट्रैक, मेरे हिसाब से ज़्यादा दूर नहीं होगा, फिनिशिंग लाइन थोड़ा सा ही और होगा, बस थोड़ा सा मुझे फोकस करने दो क्योंकि तुम मैं सबसे आगे ही चल रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई। BMW तो खतरनाक ही निकली यार भाई, BMW के तो आसपास तक कोई नहीं है, हैं मैं तो इसको हल्के में ले रहा था, लेकिन यहाँ पे भाई BMW यार, BMW को हल्के में मतलब आप लोगों ने, मैं एक रील की बात करूंगा, अगर आप लोगों ने देखी हो तो BMW से एक साउंड बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है, अगर आप लोग जानते हो तो भाई कमेंट में लिख देना, कुछ मत बोलना उस कमेंट में सॉन्ग का नाम लिख देना, अगर आप लोग जानते हो तो BMW से कौन सा सॉन्ग अटैच्ड है बहुत ज़्यादा, अगर आप लोग रील्स देखते हो तो आप लोगों को पता होगा। लेकिन हाँ यहाँ पे हम इस रेस को भी जीत चुके हैं BMW से ईजिली भाई, बहुत ही मक्खन तरह से जीते हैं भाई, एक गाड़ी भी हमको पीछे नहीं छोड़ पाई। लेकिन आ जाओ जल्दी से गाड़ियाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, और हम इस क्लब को भी जीत चुके हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस क्लब के जितने भी हमको रिवार्ड्स मिलेंगे और अभी एक और नए और भी नए क्लब्स खोलेंगे तो उनको भी अभी हम चेकआउट करेंगे। ओके सो गाइस यहाँ पे मेरे को थोड़े बहुत रिवार्ड्स मिले हैं, इनको भी जल्दी से हम कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे मेरे को 5 ब्लूप्रिंट्स मिले, ओके 5 ब्लूप्रिंट्स मेरे को Lamborghini के मिल चुके हैं, लेकिन हाँ यहाँ पे जितने भी रिवार्ड्स हैं इनको मैं जल्दी से कलेक्ट कर लेता हूँ। और ये स्पॉन्सरशिप में भी थोड़े बहुत रिवार्ड्स है शायद Nizmo के, वेट इसको भी मैं करके देखता हूँ। ओके क्लेम कर लेते हैं निशान का, ये पता नहीं क्या पैक मिला भाई, इतने सारे पैक्स हैं ना इसमें अभी तो मेरे को पता भी नहीं है क्या। ओके यहाँ पे ब्रेक मिल चुकी है मुझे, रुको मैं आप, हाँ यहाँ पे एक और क्लब खुल चुका है तो हाँ उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन आप लोग जैसा कि देख सकते हो इसमें भी खतरनाक रेसेस होंगे, इनमें भाई इन रेसेस में मज़ा आएगा क्योंकि इनमें थोड़े बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो इसमें जीतने पे भाई फरारी ला फरारी की यहाँ पे स्किन क्यों बोल देता हूँ मैं, कार्ड मिल रहा है, तो भाई मतलब 3-4 हमको शायद ये क्लब्स कंप्लीट करने पड़ेंगे और फिर शायद हम फरारी ला फरारी को भी अनलॉक कर पाएंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है आगे के एपिसोड्स में। लेकिन अभी हम जल्दी से चलते हैं, मैं आप लोगों को कार्ड्स दिखा देता हूँ इस गेम में कितनी खतरनाक है, और उसकी एक और खास बात भी मैं आप लोगों को बताता हूँ, तो आ जाओ। ओके तो गाइस मैं आ चुका हूँ कार्ड्स वाली सेक्शन में, और आप लोग देख सकते हो भाई इसमें कितनी खतरनाक गाड़ियाँ हैं यार,
और भाई इसकी एक और खास बात है कि इसमें जितनी भी कार्स है ना, आप लोग जितनी भी कार्स यहाँ पे देख रहे हो ना भाई, सारी की सारी कार्स लाइसेंस्ड है। लाइसेंस का मतलब है जितनी भी कार्स है उनका ओरिजिनल नेम है इसमें। आप लोग देख सकते हो, ये डॉज चार्जर है, सॉरी डॉज चैलेंजर है। रुको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वेट। हाँ यहाँ पे आप लोग देख सकते हो डॉज चैलेंजर SRT लिखा था यहाँ पे। मतलब जितनी भी आप लोगों को गाड़ियाँ दिख रही है ना उनका रियल नेम के साथ गाड़ियाँ है। और यहाँ पे पोर्शे भी, और यही इस गेम की बहुत ज़्यादा खास बात है कि इसमें सारी की सारी गाड़ियाँ हैं ना वो लाइसेंस्ड है। और भाई आप लोग जितनी भी गाड़ी सोच सकते हो उसमें सारी गाड़ियाँ हैं, लगभग लगभग सारी, मतलब कोई गाड़ी ऐसी होगी जो इसमें रह गई होगी तो हाँ, बाकी की इसमें सारी ब्रांड्स की कार है और सारी की सारी गाड़ियाँ लाइसेंस्ड है। तो ये इस गेम की बहुत ही खास बात है। मतलब आप लोग देखो, साइड करता जा रहा हूँ, गाड़ियाँ आती जा रही हैं, ख़त्म ही नहीं होने को आ रही हैं। और रुको यहाँ पे लैम्बोर्गिनी गुलाडो भी आप लोग देख सकते हो भाई, सारी की सारी गाड़ियाँ, ओल्ड से लेके न्यू गाड़ियाँ। मतलब यही तो, इसी चीज़ का तो मज़ा है ना। रुको मैं आप लोगों को एक और सबसे खतरनाक और सबसे खास गाड़ी दिखाऊंगा इसमें अभी, वेट अ सेकंड। और भाई इसकी एक और खास बात है, देखो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो सारी गाड़ियाँ भाई लोगों के साथ है। और भाई ये नीचे अल्फाबेट्स भी लिखे हैं, मतलब आप लोग देख सकते हो, जैसे मुझे बुगाटी ढूंढनी है तो बी में बुगाटी मिल जाएगी। तो हाँ अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कौन सी खतरनाक गाड़ी है जो कि इसमें है। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो सबसे लास्ट में बुगाटी बोलाइट भी है भाई इसमें। भाई ये गाड़ी ना मैं बता रहा हूँ सबसे फास्टेस्ट कार है, क्यों नहीं सही, जेस्को की बात, मतलब सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कार ये है। लेकिन ये रोड लीगल नहीं है, ये अभी रोड्स पे नहीं चल सकती है, या शायद चल सकती है, मेरे को पता नहीं। लेकिन मेरे को जितना पता है ये शायद रोड लीगल नहीं है। लेकिन भाई इसमें बुगाटी बोलाइट भी है, मैंने किसी भी गेम में, अभी बहुत ही कम गेम्स में होगी, लेकिन अभी तक तो खैर मैंने बस इसी गेम में देखी है। तो हाँ रुको मैं अभी सबसे पहले आप लोगों को क्यूनिक्सेक भी दिखा देता हूँ, क्यूनिक्सेक जेस्को भी। भाई सारी गाड़ियाँ यार, जिस गाड़ी जो गाड़ी आप लोगों को चाहिए वो गाड़ियाँ हैं इसमें। रुको ये रही जेस्को, इसको भी आप लोग जैसा कि देख सकते हो भाई साहब, यहाँ पे क्यूनिक्सेक जेस्को भी। यार सारी गाड़ियाँ अनलॉक करने का मन कर रहा है यार मेरा तो, मजाक से हट गया यार भाई, मतलब मजाक से हट गया। इस गेम को खेलने में और इसमें कलेक्शन करने में कितना मज़ा आएगा यार, मतलब सारी गाड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा इस गेम में खेलने में और कलेक्शन करने में। और अभी तो खैर आज हमने एक क्लब कंप्लीट किया और बाकी के क्लब से भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे और सारी गाड़ियाँ अनलॉक करेंगे, लेकिन वो गाइस हम करेंगे आने वाली वीडियोज़ में। आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी, चैनल सब्सक्राइब करना, लाइक करना, सब्सक्राइब। जितने भी एसफॉल्ट नंबर इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो में भी मेरा टारगेट है 100 लाइक्स का, तो 100 लाइक्स करवा देना, मुझे नहीं पता कैसे भी करके करवा देना। और अगर ड्राइव जोन पे वीडियो देखना चाहते हो, सुपर जीतना चाहते हो तो जल्दी जाके वो वीडियो देख लेना। और कार एक्स स्ट्रीट देखना चाहते हो तो वो भी चैनल पे मिल जाएगी, वो भी जाकर देख लेना। डिस्कॉर्ड पे नहीं ज्वाइन कर लिया अभी, खैर भी जाने का टाइम हो चुका जाते हैं, तो इस वजह से फैलाते रहे, रात रात गाइस, और गुड बाय।